Everyone, this is Professor MH और today we will discuss cash flow statement का एक छोटा सा practical question जो हम लोग ने last time किया था कि cash flow statement AS3 accounting standard 3 के हिसाब से जो activities divide होती हैं वो तीन part में divide होती हैं operating activities, investing activities और financing activity. तो उसके basis पे एक छोटा सा question हम लोग यहाँ पे refer करेंगे. तो यहाँ पे एक छोटा सा question दिया है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग इन टू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो आपको जो भी आगे आइटम दिए होंगे उसको क्लासीफाई करना है कि वो ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. तो कुछ आइटम दिए हैं यहाँ पे. पहला, लोन गिवन टू क्रेडिटर. क्रेडिटर मतलब जो सप्लायर होता है, उसको लोन दिया आपने. लोन गिवन बाय एक्स लिमिटेड टू वाई लिमिटेड. एक्स लिमिटेड इज होल्डिंग ऑफ 60% शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड. पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको डीप में देखेंगे. नेक्स्ट इज लोन गिवन टू मिस्टर अमजद बाय एबीसी लिमिटेड हु इज एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड. फिर डिविडेंड पेड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय एम लिमिटेड ड्यू टू लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय फायर, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, बैंक लोन रिपेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिपेमेंट ऑफ बॉन्ड्स, परचेज ऑफ व्हीकल, परचेज ऑफ बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल WIP और इंटरेस्ट पेड. तो ये कुछ 16 आइटम हम लोग ने यहाँ पे दिया है. अब इसको डिस्कस करेंगे कि भाई ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है. तो हम लोग इसको एक एक्सेल में करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी एक्टिविटी हम लोग लिख लेंगे. तो यहाँ पे हम लोग ने ये पूरी एक्टिविटी लिख लिया, लोन गिवन टू क्रेडिटर. अब इसको डिस्कस करेंगे कि ये भाई कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है कि फाइनेंसिंग है. ठीक है, तो सबसे पहला लोन गिवन टू क्रेडिटर, बड़े ध्यान से समझना है. क्रेडिटर मतलब सप्लायर, सप्लायर मतलब जो माल सप्लाई करता है. तो जिस चीज में आप डील कर रहे हो, जैसे आपका एक सीरियल आता है, पता है आपको, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसके अंदर अगर आपने देखा होगा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक करके है. तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में जब वो जेठालाल अपने सब इलेक्ट्रॉनिक बेचता है तो वो किसी से माल लेता होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक लेके बेचता होगा ना. तो समझो वो जिससे माल लेता उसको उसने लोन दिया. तो लोन क्यों देगा वो उसको, कि भाई अगर आपको लोन दिया है तो मतलब और ज़्यादा माल सप्लाई कर. तो इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, बिजनेस एक्टिविटी. और जैसे वो बिजनेस एक्टिविटी को रिलेट करेगा, इट इज़ नथिंग बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी. आई बात समझ में, यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट. नेक्स्ट इज लोन गिवन बाय एक्स लिमिटेड टू वाई लिमिटेड. एक्स लिमिटेड एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को लोन दिया. अब लोन दिया, एक्स लिमिटेड इज होल्डिंग 60% शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड. अब यहाँ पे देखो, लोन दिया है तो ये कुछ फाइनेंसिंग के हिसाब से लगता है. लोन वर्ड आ जाता है तो लोग समझते हैं कि फाइनेंस होगा. नो, समटाइम इट इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग, समटाइम इट इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग. ठीक है, अब देखो इन्वेस्टिंग भी हो सकता है. अब देखो कैसे, अब एक्स लिमिटेड जो है यहाँ पे बोलता है कि वो होल्ड करता है 60% ऑफ शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड. मतलब कोई कंपनी है जिसके अंदर मेरा आधे से ज़्यादा मेरा ही पूरा पैसा लगा है, तो मैं अगर उसको लोन दूंगा तो मैं तो इन्वेस्टमेंट ही कर रहा हूँ ना उसमें, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 60% इन्वेस्टमेंट उसमें कर दिया और मैं उसको लोन दे रहा हूँ. तो इट इज़ लाइक माई इन्वेस्टमेंट ओनली, क्योंकि वो कंपनी मेरे ही नाम पे है ना, और मैं अपनी कंपनी को पैसा दे रहा हूँ, तो इट इज़ लाइक माई इन्वेस्टमेंट. तो ये जो एक्टिविटी होगा ये आएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में. इसको सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं. तो होल्डिंग और सब्सिडरी अगर आपने नाम सुना होगा, तो होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडरी में पैसा लगाती है तो दैट इज हिज इन्वेस्टमेंट. तो IPCC में भी होल्डिंग सब्सिडरी आता है, तो अगर उसमें आप देखे होंगे तो एक जन जब होल्डिंग इन्वेस्टमेंट करता है तो होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट में वो इन्वेस्टमेंट में दिखता है. आई बात समझ में? तो एक्स लिमिटेड के लिए वो इन्वेस्टमेंट है. तो होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है या लोन देता है तो वो उसके लिए इन्वेस्टिंग हो जाएगा. तो ये बड़ा थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन इट इज़ वेरी सिंपल. नेक्स्ट देखो, लोन गिवन टू मिस्टर अमजद बाय ABC. कंपनी ने किसी मिस्टर अमजद को लोन दिया और वो कौन है, एम्प्लॉय है. तो कंपनी में काम करता है बंदा, कंपनी में बंदा काम करता है तो क्या करता है, बिजनेस
को हेल्प करता है, बिजनेस को हेल्प करता है, अगर वो बिजनेस को हेल्प करता है, अगर कंपनी उसको लोन देगी तो अल्टीमेटली उसके बिजनेस पे इफेक्ट आएगा। तो अमजद को पैसे की ज़रूरत है क्योंकि उसको अपना घर चलाना है या जो भी काम करना है, तो कंपनी उसको सपोर्ट करती है, लोन देती है। तो अल्टीमेटली अमजद कंपनी को कैसे सपोर्ट करेगा, उसके बिजनेस एक्टिविटी को अच्छे से रन करेगा। तो इट इज़ नथिंग बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है आप थोड़ा थोड़ा? ओके, अब देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग आया, डिविडेंड पेड। अब डिविडेंड पेड है और दूसरा डिविडेंड रिसीव्ड है। अब डिविडेंड पेड और डिविडेंड रिसीव्ड, ये दोनों एक्टिविटी क्या है, अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। डिविडेंड पेड, आपने डिविडेंड को पे किया, तो आप एक कंपनी हो, एग्जाम्पल के तौर पे एक्स वाई जेड कंपनी हो, आप डिविडेंड पे कर रहे हो, तो आप किसको डिविडेंड पे कर रहे हो, एज ए कंपनी सोचो, हाँ एज ए कंपनी सोचो। तो एज ए कंपनी मैं डिविडेंड पे कर रहा हूँ, एज ए कंपनी आई एम पेइंग डिविडेंड, एज ए कंपनी आई एम पेइंग डिविडेंड। तो मैं कंपनी अगर डिविडेंड पे करूंगा तो किसको पे करूंगा, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर ने मेरे में पैसा लगाया होगा तो मुझे पैसा मिला होगा ना, तो शेयर होल्डर के लिए वो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मेरे लिए तो मैं तो कंपनी के लिए पैसा ले रहा हूं, कंपनी को रन करने के लिए, कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए, राइट। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो फाइनेंसिंग हो जाएगा, क्योंकि मैंने शेयर इश्यू किया, शेयर इश्यू करने पे मुझे डिविडेंड देना पड़ेगा, तो मेरे लिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। आई बात समझ में? तो इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, ये सब फाइनेंसिंग में आता है, लेकिन हमारे लिए, कंपनी के लिए वो फाइनेंसिंग है, लेकिन जो खरीद रहा है उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या है, अभी मैं कंपनी हूं तो मैं पैसा ले रहा हूं शेयर होल्डर से, तो आई एम फाइनेंसिंग माई एक्टिविटी, लेकिन जो शेयर होल्डर पैसा लगा रहा है उसके लिए वो फाइनेंस वाला नहीं है, उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट है। तो डिविडेंड पेड बाय कंपनी इज ए फाइनेंसिंग फॉर कंपनी, लेकिन सेम डिविडेंड रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर इज द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो नेक्स्ट वन जो होएगा, डिविडेंड रिसीव्ड इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आ रही है बात समझ में? यस और नो? समझा कि नहीं समझा? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय एम लिमिटेड कंपनी को इंश्योरेंस क्लेम मिला ड्यू टू लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय फायर। फिक्स्ड एसेट का आग लग गया, उससे उसे इंश्योरेंस क्लेम मिला। सबसे पहला फिक्स्ड एसेट से, फिक्स्ड एसेट मतलब आपका उसमें पैसा लगा होगा, तो इन्वेस्टिंग है ना, उसी की वजह से आपको पैसा जनरेट हो रहा है, तो इट इज़ नथिंग बट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आई बात समझ में? यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट। इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये दोनों है, तो आप शेयर क्यों इश्यू कर रहे हो, आप डिबेंचर क्यों इश्यू कर रहे हो, क्योंकि कंपनी को पैसे की ज़रूरत है। तो कंपनी को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो वो शेयर इश्यू करती है, वो डिबेंचर इश्यू करती है, तो वो कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। तो दोनों की दोनों क्या हो गई है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आ रही है बात समझ में? तो जब आपने इश्यू किया डिबेंचर तो वो फाइनेंसिंग है, जब आप उसको पे करोगे तो वो भी फाइनेंसिंग है, लोन का लेना देना वो भी फाइनेंसिंग आता है। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज अगेन योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सेम वे में बैंक लोन रिपे किया, दैट इज अगेन योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये दोनों हम लोग साथ में करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट पेड। जैसे डिविडेंड रिसीव्ड और डिविडेंड पेड आया था ना, उस तरीके से। अब देखो इंटरेस्ट, एक कंपनी को ध्यान में रखो और एक बंदे को ध्यान में रखो। कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किया तो वो बंदे ने डिबेंचर को खरीदा, तो कंपनी को पैसा मिला और बंदे को डिबेंचर मिला। अब कंपनी वो डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी, ठीक है, कंपनी इंटरेस्ट पे करती है किसको, डिबेंचर होल्डर को। तो इंटरेस्ट पे करना, इंटरेस्ट कब पे करोगे, जब आपने लोन लिया होगा, तो आपके लिए तो फाइनेंसिंग है वो, है कि नहीं। लेकिन जो सामने वाले को इंटरेस्ट मिल रहा है, सामने वाले को इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, तो वो तो फाइनेंसिंग के तौर पे नहीं दिया, वो तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे दिया। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेम वे में डिविडेंड का है, देखो डिविडेंड रिसीव्ड है कि नहीं, इन्वेस्टिंग। सेम वे में इंटरेस्ट पेड, तो कंपनी के लिए क्या हो गई, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बस ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आई बात समझ में? यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स मतलब वही डिबेंचर के टाइप का होता है, रीपेमेंट किया। जब लोन लिया तो फाइनेंसिंग, रीपे कर रहे तो अगेन फाइनेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट वाला दो आप बता सकते हो मुझे, परचेज ऑफ व्हीकल, परचेज ऑफ बिल्डिंग। तो परचेज ऑफ व्हीकल, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज कर रहे हो व्हीकल तो रोज़ थोड़ी खरीदोगे, बिल्डिंग रोज़ थोड़ी खरीदोगे, 10-15 साल के लिए खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? तो दैट इज़ योर इन्वेस्टिंग। तो ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा आपका? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, समझ में आया? परचेज ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट्स एसेट इज योर इन्वेस्टिंग। लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैपिटल WIP, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल WIP। कैपिटल WIP पे एक्सपेंडिचर किया, सबसे पहले कैपिटल WIP होता क्या है? तो बिल्डिंग जो होता है अंडर कंस्ट्रक्शन होगा उसको कैपिटल WIP बोलेंगे। हाँ, कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन तो उसके अंदर आप खर्चा कर रहे हो। समझो आप अपना फैक्ट्री डाल रहे थे, फैक्ट्री आधा बना है और पैसा लगा रहे हो तो खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ऑपरेटिंग? नो। यू आर फाइनेंसिंग? नो। यू आर इन्वेस्टिंग? आप और बिल्डिंग को अच्छे से बना रहे हो तो इट इज योर फाइनेंसिंग, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो होप आपको समझ में आया होगा, कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट। ठीक है, तो इसको एक दो बार आप गो थ्रू करिए, कुछ भी डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।